नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय भाईंदर पुलिस स्टेशन पे, जहां पर आज डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि भाईंदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ऐसे दो मामले आए हैं जहां पे एक घर में चोरी और दुकान में चोरी की गई है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने सभी जो चोरी की गई माल थे उसे पुलिस हिरासत में लेकर आगे की तहकीकात कर रहे हैं। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आइए देखते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ सर। माननीय सीपी सर, श्री पांडे सर, अपर पुलिस आयुक्त श्री फाटक सर, इनके मार्गदर्शन में कोई भी ऑफेंस रजिस्टर होता है तो तत्काल उसको ओपन करने के लिए पूरा डीबी टीम अच्छी तरीके से ट्राई करता है। भाईंदर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 170/24 380/354/57 के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें 2,61,000 का मुद्देमाल चोरी गया था। उसमें कुछ नए मोबाइल, वॉच, ब्लूटूथ और पुराने मोबाइल चोरी गए थे। तो इसमें बहुत सारे CCTV फुटेज चेक करने के बाद कुछ एक व्यक्ति जो संशयास्पद रीत्या घूम रहा था तो उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई से कब्जे में ले लिया गया और उसके इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम टाइसन उर्फ जुग तपस ऐसा मालूम पड़ा। उसने बताया कि उसने जो मुद्देमाल था अब्दुल रहीम खलील शेख इसको बेचा था और उसने बाद में कलकत्ता में वो मुद्देमाल भेजा था। तो दोनों को हिरासत में लेके उनको उनके पास से पूरा मुद्देमाल जो है रिकवर किया गया है। सर, क्या काम करते हैं आरोपी? एक जो आरोपी है, एक तो फुटपाथ पे ही रहता है जो मुंबई में रहता है, दूसरा यही मुंबई में जो चोर बाजार है उधर ये मुद्देमाल दिया गया था, वहाँ से वो कलकत्ता गया था। चोरी कहाँ से हुई थी ये? भाईंदर सिंह पोस्ट में 104/24/454/57/380 चोरी का गुना दाखिल हो गया था और पहले दिन से ही इसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से कोई चोरी नहीं किया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनकी जो बहू थी वही इसमें शामिल थी। उसने वो जो चांदी के दागिने, सोने के दागिने चुरा के उसके मामा के लड़के को दिया था और वहाँ पे हरियाणा में भी टीम जाके आई थी अपने। तो मुद्देमाल जो है हमने पूरा रिकवर कर लिया है। 1,91,500 का मुद्देमाल भी इसमें रिकवर किया गया है। सर, क्या बोला आरोपी ने, क्या किस वजह से उसने अपने ही घर पे चोरी की? सर नहीं, इसका तो इन्वेस्टिगेशन तो अभी चालू है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। दूसरा आरोपी भी अभी अरेस्ट करना बाकी है। मुद्देमाल कहाँ से पुलिस ने बरामद किया? मुद्देमाल जो है हरियाणा में टीम गई थी, आरोपी वहाँ पे मिला नहीं, लेकिन जो एक्यूज है उसकी माँ के पास उसने छोड़ दिया था, उसने पुलिस स्टेशन में जमा।